अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीज़ वर्ल्ड। आज हम आपको कल्टस 2005 का मॉडल, उसके हम ब्लोअर की स्पीड आपको बताएंगे, बनाना सिखाएंगे कि यह आया कि इसकी स्पीड को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और इसकी स्पीड को किस तरीके से तेज़ किया जा सकता है। क्योंकि अमूमन गाड़ियाँ चलती हैं, चलने के बाद 5-6 साल के बाद गाड़ियों के ब्लोअर वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। और इस स्पीड को मज़ीद तेज़ करने के लिए, मज़ीद इसकी स्पीड, अपनी स्पीड को इजाफा करने के लिए इसकी अब वाइंडिंग बना के आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसकी वाइंडिंग बनाई जाती है, और हम आपको सिखाने की भी कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, लोग अमूमन ये करते हैं कि एसी वालों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि दिखाते हैं कि हमारी स्पीड स्लो हो गई है, पीछे हवा नहीं आती है। और जब एसी वालों के पास जाते हैं तो एसी वाले बोलते हैं कि आपका ब्लोअर का आर्मेचर जो है वो ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है और वो चेंज होगा। तो हम ऐसा नहीं करते, हमारे पास जब भी कस्टमर आते हैं हम उनको हमेशा ये बोलते हैं कि चेंज तो हमको वैसे भी करना है, तो हम इसको मज़ीद 1-2 साल मज़ीद चलाने के लिए हम एक्स्ट्रा अपने पास से एक वायरिंग बनाते हैं और एक्स्ट्रा करंट दिया जाता है ब्लोअर को, जो आर्मेचर को करंट की वजह से तेज़ चलाता है, और तेज़ चलाने से पीछे जो थिरो है वो भी थिरो आ जाती है और उनकी जो कंप्लेन होती है वो भी अपना कंप्लेन हम लोग सही कर देते हैं और उनके मज़ीद 1-2 साल हम ब्लोअर में निकाल देते हैं। और वो निकालते कैसे और ये वायरिंग बनाई कैसे जाती है और इसकी वायरिंग को, इसका तरीक़ेकार कैसा है, ये हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। हमारी वीडियो देखते रहिएगा और यकीनन मुझे उम्मीद है कि जब आप ये सीखेंगे और अभी देखेंगे आपको मज़ीद खुशी होगी और देख के आपको आइडिया होगा कि ब्लोअर की वायरिंग जो एक्स्ट्रा स्पीड देने के लिए और तेज़ करने के लिए किस तरीके से बनाई जाती है, ये हम आपको बताएंगे भी और हम आपको सिखाएंगे भी। आइए व्यूअर्स, अब हम आपको तरीक़ेकार बताना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये इसका कंसोल खोलेंगे। ये आगे आप देख रहे हैं तीन कटर स्क्रू लगे हुए, ये पहले तीन कटर स्क्रू खोलेंगे। अब इसका ऊपर का हिस्सा हम खोलेंगे, ऊपर भी इसके मैं आपको दिखा दूँ। एक इसका ये कटर स्क्रू लगा हुआ है, एक इसका ऊपर की साइड ये कटर स्क्रू लगे हुए होंगे, ये आप ये देख रहे हैं। ये अभी हम खोलेंगे और ये भी आपको निकाल के इसकी कंडीशन दिखाएंगे, ब्लोअर जहाँ पे लगा होता है। ये देखें बस, ये हमने खोल लिया है इसको, इसके तीनों स्क्रू, अपना कट स्क्रू खोल लिए, खोल के हमने इसको भी बाहर निकाल दिया है। और ये देखें आप, ये रिवर्स, ये ब्लोअर लगा हुआ है, ये ब्लोअर लगा हुआ है, ये देखें ये ब्लोअर है, और इसके नीचे ये इसके नीचे ये मोटर लगी हुई होती है, ये आप देख रहे हैं ये मोटर है इसके नीचे, और इसी के हम वायरिंग बनाना आपको सिखाएंगे, इस मोटर को किस तरीके से तेज़ की जाती है स्पीड को, और इस पर वायरिंग किस तरीके, इसकी वायरिंग किस तरीके से बनाई जाती है वो आपको दिखाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, सबसे पहले हम लेंगे ये 4 पिन की रिले है कटआउट, और ये इसका ग्रीप है, और ये इसके कनेक्शन जो हम इसको देंगे वायरिंग के साथ, कटआउट के साथ लगा के अलग अलग, इसके चार इसके आप ये देख रहे हैं वायर निकले हुए हैं और चारों के चारों छिले हुए हैं, और ये हम इसको लगा के इसके साथ अटैच करेंगे अपना कटआउट को, और इसके साथ हम वायरिंग बनाना आपको सिखाएंगे किस तरीके से वायरिंग ब्लोअर की बनाई जाती है, जो कि स्पीड को बढ़ाती है। फोर्थ स्पीड, पहली स्पीड भी चलेगी, दूसरी स्पीड भी चलेगी, और तीसरी स्पीड भी चलेगी, जब चौथी स्पीड होगी तो ये फुल हाई स्पीड हो जाएगी, वो हम आपको बताते हैं किस तरीके से सिखाते बनाई जाती है। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने एक तार लिया है, ये आप देख रहे हैं, ये एक बैटरी से तार अटैच किया है, और एक तार लेके हमने ये अंदर ब्लोअर की तरफ इसको मूव किया है, ब्लोअर की तरफ लेके गए, और इस तार से हम अपनी वायरिंग को बनाएंगे। ये आप तार देख रहे हैं, हमने यहाँ सबसे पहले हमें मेन, इसका जो मेन होता है प्लस, यहाँ पे हमको एक तार लगाना है बड़ा मोटा 5 mm का या 7 mm का, वो हम तार बड़ा करके अंदर ब्लोअर की तरफ लेके जाएंगे,
और हम लेके चले गए, वो हम आपको दिखाएंगे कि हम वो तार को किस तरीके से इसकी वायरिंग बनाई जाती है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हम तार यहाँ पे खींच के लेके आ गए अंदर। सबसे पहले हमने मेन तार जो कि बैटरी का मेन है, बड़ा तार लेके अंदर इसको लेके आ गए हैं, और हम अब इसको हम चेक करेंगे कि इसमें ये करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने आर लगाया और ये आप ये देखें इसका ये करंट इसमें आ रहा है बैटरी से डायरेक्ट। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने अब ये गाड़ी स्टार्ट की है, और गाड़ी स्टार्ट करके अब हम इसकी स्पीड को चेक करवा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसका साउंड भी आप सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। ये पहली स्पीड, ये दूसरी स्पीड, ये तीसरी स्पीड और ये फोर्थ स्पीड, ये इसका साउंड है। और ये हवा यहाँ तक इसकी सिर्फ हवा आ रही है, और ये आप साउंड सुन लें, इसका ये साउंड है। और हम सबसे पहले इसकी वायरिंग बनाने के लिए इसकी जो स्पीड है फोर्थ स्पीड वो हम अलग करेंगे। एक मिनट व्यूअर्स, हम सबसे पहले इसकी फोर्थ स्पीड को, ये आप देख रहे हैं ये वायर इसकी चलते हुए आ रहे हैं, हमें फोर्थ स्पीड जो है तो इसकी जो होती है ये हमने अलग कर दी है, और पहली दूसरी तीसरी स्पीड इसकी ओरिजिनल स्पीड वो बरकरार रहेंगी, और जब फोर्थ स्पीड होगी फोर्थ स्पीड पे ये बिल्कुल फुल हवा पे ये बिल्कुल वर्क करेगा। अब हम इसकी इस पर अपना वायरिंग बनाना शुरू कर रहे हैं। ये देखें, ये हमने इसकी रिले की जो पहली तार है व्यूअर्स, ये देखिए ये रिले और ये इसका ग्रिप लगा हुआ है, और हम आपको बताएंगे इसका तरीक़ाकार। ये आप देखें, ये ऊपर की साइड है, और ऊपर की साइड के ये जो इसके ये दो तार है, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड वाला जो तार है वो हम लगाएंगे इसकी स्पीड वाली तार पे। ये आ गया सबसे मेन ये स्पीड वाली तार पे, ये हमने पहला वायर लगाया इसका, जो हमने आपको बताया है कि तार कौन से वाले लगाने हैं। और इस ये देखें, ये इसका आ गया बराबर वाला, ये हमने एक तार हमने ब्लोड पे लगाया है और एक तार हमने सिलेक्टर स्विच, जो ये आप देख रहे हैं ये सिलेक्टर स्विच है जो आउटपुट निकालता है। ये एक हमने ब्लोड पे लगाया तार, ये जो तार है ये ब्लोड से आ रहा है, ये हमने एक ब्लोड वाली तार को काटा ये उस पे लगाया, और जो इसकी सिलेक्टर की जो दूसरी वाली तार है ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया है ताकि हमारा फंक्शन यहाँ से चले। अभी दो तारें बचे, लेफ्ट वाला व्यूअर्स, ये देखें दोबारा आपको मैं समझा रहा हूँ, दोबारा आपको बताने के लिए, एक तार जो हमने काटा है स्पीड से, ये तार एक ब्लोअर का आ गया, और एक तार ये सिलेक्टर स्विच का आ गया जो के इसका सिलेक्टर स्विच, इसका कनेक्शन इस वाले तार से है। एक तार हमने यहाँ लगा दिया, एक तार हमने यहाँ लगा दिया, सही है। और थर्ड पे हमने जो बैटरी से तार लेके आए, और जो हमें बैटरी से भी करंट देना है एक्स्ट्रा, जो हमें एक्स्ट्रा जो करंट देना है वो हम अब अटैच करेंगे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसके नीचे वाले दो तार लेके राइट साइड, अपना राइट साइड वाले, ये आप देख रहे हैं एक तार हमने बैटरी के तार से अटैच कर दिया, और अब इसका जो आखिरी जो तार है बॉडी, ये बॉडी आर्ट है, और एक हमने इसका बॉडी आर्ट दे दिया, ये तार हमने इसका बॉडी आर्ट दे दिया है, और ये हमारी ये पूरी कंप्लीट ये वायरिंग हमने बना ली है, तैयार कर ली है। अब हम इसको स्टार्ट कर हम चेक करेंगे कि हमारा ब्लोअर का साउंड और हमारी पहली दूसरी थर्ड स्पीड आया कि कितनी स्पीड से चल रही है और किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ये आप देख लें व्यूअर्स, ये हमने गाड़ी स्टार्ट की है, ये देखिए व्यूअर्स, अब हम हमने गाड़ी स्टार्ट करी है, और ये हम ब्लोअर आपको आपके सामने इसका चला के ऑन करके दिखा रहे हैं। ये पहली स्पीड, ये दूसरी स्पीड, ये थर्ड स्पीड, और ये इसका फोर्थ स्पीड। इस तरीके से व्यूअर्स ये देख लें, इसका साउंड भी आप देख लें कितना साउंड इसका मजीद बढ़ गया है, और हवा का प्रेशर इस साउंड से आपको अंदाज़ा और होगा कि किस तरीके से इसका प्रेशर निकल रहा है, किस तरीके से उसका ब्लोअर का साउंड आ रहा है, और हवा कितनी स्पीड से पीछे जा रही है। ये देखें, ये आपके सामने, ये मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि ये देखें किस तरीके से ये पीछे हो रहा है, हवा का अंदाज़ा आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे,
और उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको गौर से दीजिए, अपने देखिएगा। अगर आप मैकेनिकल हैं, टेक्निकल हैं, तो उसको गौर से देखिएगा कि हमने आप ये वायरिंग को किस तरीके से हमने आपको बताया है, कौन कौन से कनेक्शन काटने पड़ते हैं, किस तरीके से वायरिंग बनाई जाती है, किस तरीके से हमने ये भी आपको बताया कि ब्लोअर के कटआउट किस तरीके से पकड़ा जाता है, किस तरीके से कटआउट की ऊपर वाली साइड को कि लेफ्ट वाली साइड को लगाई जाती है, फिर दूसरी वाली लेफ्ट के दूसरा तार को भी किस तरीके से लगाया जाता है, फिर नीचे वाले तार को किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये हमने आपको दिखाया है और सिखाया है। ये आप इसका साउंड चेक कर सकते हैं। अब हम आपको सारी चीज़ें आपके सामने लेके आ गए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने कमेंट्स से हमें आगे कीजिएगा। और साथ साथ आज 10 तारीख है, पहला महीना है 2020, फ्राइडे का दिन है, और इस साल में पहली वीडियो मेरी अपना मेरी मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, और आपको मुबारकबाद देता हूँ पूरे अपने इस नए साल की। उम्मीद है कि आपको नया आने ये वाला साल आपको बहुत सारी खुशियों के साथ आए, और सारे मसले मसाइल जितने भी आपके वो ख़त्म हो, और आपके खुशियों भरे साल हो। और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।